वेलकम टू ऑलॉजी एंड टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो जब से एयरपॉड्स आए हैं तब से कोई ईयरपॉड्स की बात ही नहीं कर रहा है। तो जितने लोग एयरपॉड्स यूज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग आज भी लोग ईयरपॉड्स यूज करते हैं। तो इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप एयरपॉड्स पे यूज कर सकते हो और ये ट्रिक्स एयरपॉड्स भी आपके नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता होंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अमित। इस चैनल पे मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके कोई भी टेक रिलेटेड इश्यूज है वो मैं सॉल्व कर पाऊं। इतना ही नहीं, अगर आप कोई नया गैजेट खरीदना चाह रहे हो तो वो डिसीजन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्टेप आगे रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे आपको जो एक बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते म्यूजिक की। तो म्यूजिक में सबसे बेसिक फंक्शन जो है वो आप मिडिल बटन जो है वो अगर एक बार प्रेस करोगे तो पॉज हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करोगे तो प्ले हो जाएगा। तो प्ले पॉज करने के लिए आपको ये मिडिल वाला बटन यूज करना है हर बार। अब अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है तो उसके लिए ये मिडिल बटन दो बार प्रेस करना है, तो आपका सॉन्ग चेंज हो जाएगा। अब अगर सपोज कोई सॉन्ग के बीच में आप कहीं पे हो और आपको ये सॉन्ग के स्टार्टिंग में आना है तो आपको ये वाला जो मिडिल बटन है उसको 3 times प्रेस करना है, 1, 2, 3। तो आपको काफी स्पीड में ये 3 times क्लिक करना है तो आपका जो सॉन्ग है वो अगर बीच में है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक और बार मैं दिखा देता हूं, जैसे ये मिडिल में है फिलहाल, अभी मैं 3 times मैं क्लिक कर रहा हूं इसको तो ये स्टार्टिंग में आ गया वापस। अब अगर मुझे प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है तो सबसे पहले 3 times क्लिक करके मुझे सॉन्ग के स्टार्टिंग में आना है, एंड अगेन मेरे को 3 times प्रेस करना है तो अब मेरा जो सॉन्ग है वो प्रीवियस वाला सॉन्ग प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रिक है, वो ये है कि अगर मुझे सॉन्ग फॉरवर्ड करना है, दैट इज नेक्स्ट सॉन्ग पे नहीं जाना है, मुझे फॉरवर्ड करना है इस पर्टिकुलर सॉन्ग को, तो मिडिल बटन को मेरे को 2 times प्रेस करना है और 2nd time जब मैं क्लिक करूंगा सेकंड वाला जो क्लिक है उसको मेरे को क्लिक करके होल्ड करके रखना है। तो एक बार मैंने किया और दूसरी बार जब मैं होल्ड करके रखूंगा तो ये सॉन्ग फॉरवर्ड होता जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 minute, 2 minute, 3 minute, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 2nd time जो मैंने क्लिक किया उसको मैंने होल्ड करके रखा है फिलहाल। अब सिमिलरली यही सॉन्ग को अगर मुझे रिवाइंड करना है तो मुझे इस वाले मिडिल बटन पे 3 times क्लिक करना है और जो 3rd click है उसको मेरे को होल्ड करके रखना है। तो आपको मैं डेमो दिखा देता हूं, अभी ये 2 times किया और 3rd बार मैंने इसको होल्ड करके रखा है। तो अब आप देख सकते हो मेरा जो टाइम है ये अब रिवर्स चल रहा है, अब 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes ये आप यहाँ पे देख सकोगे। तो ये तो हो गया म्यूजिक के बारे में। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो अगर आपके एयरपॉड्स आपके आईफोन से कनेक्टेड है और अगर ये कैमरा ऐप खुला हुआ है तो इन एयरपॉड्स को आप यूज कर सकते हो एज ए रिमोट कंट्रोल। तो अगर आपका फोन कहीं दूर पड़ा हुआ है तो आपको इतना ही करना है कि इन एयरपॉड्स पे आपको जो वॉल्यूम कीज मिलती है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक पिक्चर क्लिक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो फंक्शन है वो प्लस वॉल्यूम की एज वेल एज माइनस वॉल्यूम की पे भी चलेगा। अब बात कर लेते हैं कॉल की। तो अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो कॉल पिकअप करना तो बहुत ही आसान है, मिडिल बटन 1 times क्लिक करोगे तो ये कॉल पिकअप हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर आप एक कॉल के ऊपर हो और आपको दूसरा एक कॉल आ जाता है, तो अब मेरा एक फोन चल रहा है और मेरे को एक और कॉल आ रहा है बैकग्राउंड में और अगर मुझे 2nd call लेना है तो मुझे ये मिडिल वाला जो बटन है वो 1 times प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हो कि 1st call मेरा होल्ड पे चला गया और 2nd call मेरा चालू हो गया है। अब अगर मुझे वापस 1st call पे जाना है तो अगेन मुझे ये मिडिल वाला बटन जो है उस पर 1 times क्लिक करना है। तो आप देख सकोगे कि 2nd जो कॉलर है वो होल्ड पे चला गया और 1st वाला एक्टिव हो चुका है। अब मुझे इनमें से एक कॉल को कैंसिल करना है तो ये मिडिल बटन है उसको कुछ सेकंड के लिए मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा और वहां पे मेरे को ईयरफोन में एक टोन बजेगी और मेरा कॉल कैंसिल हो जाएगा। तो 2 calls में जिस कॉल के ऊपर आप एक्टिव हो उस कॉल को एंड करने के लिए ये एक तरीका है। एंड लास्टली आपका जो 2nd caller है उसको भी अगर आपको कैंसिल करना है तो अब आपको इस वाले बटन को सिर्फ 1 times क्लिक करना है, दैट्स इट। एंड लास्ट चीज जो अपने आईफोन में कर सकते हो यूजिंग दीज ईयरपॉड्स इज सीरी को एक्टिवेट करना, दैट इज ए मिडिल का जो बटन है उसका आप होल्ड करके रखोगे तो आपका इसमें सीरी एक्टिवेट हो जाएगा और अब आप जो भी कमांड देना चाह रहे हो यूजिंग दिस माइक दे सकते हो। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। देखते रहे ऑलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।